दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म कबीर सिंह से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। कबीर सिंह एक ड्रामा रोमांटिक फिल्म थी। इसको रिलीज किया गया था 21 जून सन 2019 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, अर्जुन बाजवा, निकिता दत्ता, कामिनी कौशल, सुरेश ओबेरॉय और आदिल हुसैन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था साउथ के डायरेक्टर संदीप वांगा ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सिने वन स्टूडियोज प्रोडक्शन कंपनी के ओनर मुरद खेतानी और अश्विन वर्डे ने, और इसके अलावा इसको ज्वाइंटली प्रोड्यूस किया था टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के ओनर भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने। फिल्म की स्टोरी संदीप वांगा ने लिखी थी और गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर लगभग 42 मिनट की लेंथ के टोटल 9 गाने इस फिल्म में रखे गए थे। फिल्म के अलग अलग गानों में अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स ने अपना म्यूजिक दिया था और फिल्म के सारे गाने फिल्म के रिलीज होने के पहले ही सुपरहिट हो गए थे और इस फिल्म के म्यूजिक को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। और फिल्म का म्यूजिक इतना अच्छा था कि इस फिल्म के गानों को FM या TV पर रिपीटेड मोड्स में चलाया जाता था। और फिल्म के पॉपुलर गानों में से गाने थे बेख्याली, कैसे हुआ तुझे कितना चाहने लगे हम, मेरे सोनिया सोनिया वे मैं तेरा बन जाऊंगा, ये आईना है या तू है, तू पहला पहला प्यार है। फिल्म के इन सुपरहिट गानों के लिरिक्स लिखे थे इरशाद कामिल, मिथुन और मनोज मुंतासिर ने। फिल्म में म्यूजिक दिया था मिथुन, अमाल मलिक, विशाल मिश्रा और सचेत परंपरा ने। और फिल्म के गानों में अपनी आवाज दी थी अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, अरमान मलिक, जुबिन नौटियाल, सचेत टंडन, अखिल सचदेवा और तुलसी कुमार ने। और इस फिल्म का म्यूजिक सन 2019 के बेस्ट सेलिंग म्यूजिक एल्बम में से एक था। और फिल्म का म्यूजिक इतना एवरग्रीन और मेलोडियस था कि इस फिल्म के म्यूजिक को लोग काफी लंबे समय तक याद रखेंगे। और इस फिल्म के सारे ही गाने मेरे ऑल टाइम फेवरेट गानों की लिस्ट में शामिल हैं और फिल्म के इन गानों को मैंने खुद कई बार रिपीटेड मोड्स में सुना है। अब बात करते हैं इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 68 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 331 करोड़ रुपए और टोटल वर्ल्ड वाइड में इसने 379 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और सन 2019 में ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रेस में दूसरे नंबर पर थी। सन 2019 में पहले नंबर पर फिल्म थी वॉर, दूसरे पर थी कबीर सिंह, तीसरे पर थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, चौथे पर थी भारत और पांचवें पर थी मिशन मंगल। इसके अलावा फिल्म कबीर सिंह ऐसी पहली ए सर्टिफाइड इंडियन फिल्म थी जिसने इंडिया में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था और 2 घंटे 53 मिनट की इस फिल्म को 7.2 out of 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था साउथ के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर अपना डेब्यू सन 2017 में आई तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी से किया था। और फिल्म अर्जुन रेड्डी के सुपरहिट हो जाने के बाद संदीप वांगा ने इस फिल्म का हिंदी रीमेक सन 2019 में कबीर सिंह के नाम से बनाया था। और फिल्म अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह के लगभग सारे के सारे सीन और सिचुएशंस एक जैसी रखी गई थी और इन दोनों ही फिल्मों में केवल लैंग्वेज का अंतर था। इसके अलावा दोनों ही फिल्मों की सिचुएशन लगभग एक जैसी थी। एक्चुअली संदीप वांगा ने फिल्म अर्जुन रेड्डी की ओरिजिनल स्क्रिप्ट सन 2013 में ही लिख ली थी, लेकिन वो उस टाइम पर एकदम न्यू कमर थे। इस वजह से उन्हें इस फिल्म को बनाने के लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था और काफी प्रोड्यूसर्स को इस फिल्म की स्टोरी सुनाने के बाद भी इस फिल्म को कोई प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से उनकी फिल्म सन 2013 से डिले होती चली गई और बाद में फाइनली सन 2017 में उनके पिता और उनके भाई ने संदीप वांगा की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने का डिसाइड किया और वही दोनों इस फिल्म के प्रोड्यूसर बन गए। और इस फिल्म को 4 से 5 करोड़ रुपए के बजट में पूरा कंप्लीट कर लिया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म अर्जुन रेड्डी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म ने लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और फिल्म अर्जुन रेड्डी के साउथ में सुपरहिट हो जाने के बाद बॉलीवुड के कई प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को हिंदी में रीमेक बनाने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया था और फाइनली सन 2019 में इस फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह के नाम से बनाया गया था, जिसको भी संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया था। और ये फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद इसका एक रीमेक तमिल में भी आदित्य वर्मा नाम से बनाया गया था, जिसको 21 नवंबर सन 2019 को रिलीज किया गया था। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था संदीप वांगा के असिस्टेंट गिरीश साया ने।
फैक्ट नंबर दो, फिल्म अर्जुन रेड्डी के साउथ में सुपरहिट हो जाने के बाद संदीप वांगा ने इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाने का डिसाइड किया था और हिंदी रीमेक में लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली पसंद रणवीर सिंह थे, लेकिन किसी कारण से रणवीर सिंह इस फिल्म में काम नहीं कर पाए थे। इसके बाद हिंदी रीमेक फिल्म के लिए उनकी दूसरी पसंद शाहिद कपूर थे, जिनकी सन 2016 में आई फिल्म उड़ता पंजाब में उनकी एक्टिंग को देखकर संदीप वांगा काफी इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने अपनी इस फिल्म में शाहिद कपूर को ही लेने का फाइनल कर लिया था। लेकिन इसी बीच इस फिल्म के प्रोड्यूसर मुरुद खेतानी और अश्विन वर्डे, जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी रीमेक बनाने के राइट्स खरीदे थे, वो इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर अर्जुन कपूर को लेना चाहते थे। और बाद में संदीप वांगा को जब इस बात का पता चला तो वो काफी निराश हो गए और इस बारे में बाद में और डिस्कस करने के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने शाहिद कपूर को फिल्म में कास्ट करने के लिए हाँ बोल दिया था। फैक्ट नंबर तीन, फिल्म कबीर सिंह को शूट करने के लिए शाहिद कपूर को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। एक्चुअली फिल्म में शाहिद कपूर के तीन अलग अलग लुक दिखाए गए थे और फिल्म में इन अलग अलग लुक्स के लिए अपनी बॉडी को मेंटेन करना शाहिद कपूर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सबसे पहले फिल्म के उस हिस्से की शूटिंग की गई थी जिसमें शाहिद कपूर के बहुत लंबे बाल और बहुत बड़ी दाढ़ी वाला लुक दिखाया जाता है। इसके बाद फिल्म के उस हिस्से की शूटिंग की गई थी जिसमें शाहिद कपूर के बाल लंबे रखे गए थे और शाहिद कपूर क्लीन शेव थे। इसके बाद फिल्म के उस हिस्से की शूटिंग की गई थी जिसमें शाहिद कपूर एकदम क्लीन शेव और छोटे बालों के साथ एक कॉलेज स्टूडेंट के तौर पर दिखाई दिए थे और शाहिद कपूर ने अपने बाल और शेव के साथ साथ फिल्म में कॉलेज वाला लुक दिखाने के लिए लगभग 14 किलो अपना वेट कम किया था। और अगर इस फिल्म की शूटिंग इस क्रम में नहीं की जाती तो फिल्म में अलग अलग लुक को शूट करने के लिए लगभग 3 से 4 महीनों का इंतजार करना पड़ता। फैक्ट नंबर चार, इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली, उत्तराखंड और मुंबई की काफी खूबसूरत लोकेशंस पर की गई थी। जैसे फिल्म के गाने पहला प्यार में जो बर्फ वाले सीन हमें दिखाए जाते हैं, उसकी पूरी शूटिंग देहरादून में तथा मसूरी के फेमस होटल द सेवॉय में की गई थी। इसके अलावा फिल्म के गाने कैसे हुआ को मिरांडा हाउस दिल्ली में शूट किया गया था और फिल्म में कॉलेज को ही अलग अलग तरीके से दिखाने के लिए इसकी शूटिंग लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में और किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली में की गई थी। फैक्ट नंबर पांच, इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर संदीप वांगा की पहली पसंद कियारा आडवाणी ही थी। एक्चुअली संदीप वांगा ने उनकी सन 2016 में आई फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी देखी थी, जिसमें वो कियारा आडवाणी के सीधे साधे लुक को देखकर काफी इंप्रेस हुए थे और कुछ ऐसा ही सीधा साधा लुक उन्हें अपनी फिल्म कबीर सिंह में प्रीति के कैरेक्टर के लिए चाहिए था। लेकिन उस टाइम पर कियारा आडवाणी किसी कारण से इसमें काम नहीं कर पा रही थी। इसके बाद फिल्म कबीर सिंह के लिए तारा सुतारिया का नाम अनाउंस किया गया था, लेकिन बाद में उनकी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रोडक्शन में थोड़ी डिले हो जाने के कारण तारा सुतारिया का शूटिंग शेड्यूल मैच नहीं हो रहा था। इसके बाद एक बार फिर से फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर कियारा आडवाणी से बात की गई थी और बाद में फाइनली कियारा आडवाणी इसमें लीड एक्ट्रेस का कैरेक्टर प्ले करने के लिए तैयार हो गई थी। फैक्ट नंबर छह, संदीप वांगा ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट से बहुत ज्यादा लगाव था। उन्होंने बताया कि जब वो फिल्म की ओरिजिनल स्क्रिप्ट अर्जुन रेड्डी को शूट कर रहे थे, उस टाइम पर फिल्म की शूटिंग के बीच में ही उनके बेटे का जन्म हुआ था। तब उस टाइम पर संदीप वांगा ने डिसाइड किया था कि वो अपने बेटे का नाम फिल्म के लीड कैरेक्टर के नाम से ही रखेंगे और बाद में उन्होंने अपने बेटे का नाम फिल्म के नाम पर अर्जुन रेड्डी रखा था। फैक्ट नंबर सात, इस फिल्म में हमें शाहिद कपूर के बड़े भाई के तौर पर अर्जुन बाजवा नजर आए थे। एक्चुअली स्टार्टिंग में अर्जुन बाजवा इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में फिल्म के डायरेक्टर संदीप वांगा के काफी इंसिस्ट करने के बाद वो इसको प्ले करने के लिए तैयार हो गए थे। इसके अलावा फिल्म कबीर सिंह में अमित शर्मा ने विलेन का कैरेक्टर प्ले किया था और फिल्म में भी उनका नाम अमित रखा गया था और अमित शर्मा ने ही इस फिल्म के तेलुगु वर्जन अर्जुन रेड्डी में भी अमित का कैरेक्टर प्ले किया था। फैक्ट नंबर आठ, इस फिल्म में शाहिद कपूर ने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया था जो एक चेन स्मोकर है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और साथ ही साथ ड्रग्स भी लेता है, जबकि शाहिद कपूर अपनी रियल लाइफ में सिगरेट नहीं पीते हैं। लेकिन फिल्म कबीर सिंह में अपने इस कैरेक्टर को तैयार करने के लिए शाहिद कपूर एक ही दिन में 20 से ज्यादा सिगरेट को स्मोक कर लेते थे और इसके बाद उनके पास से सिगरेट स्मोकिंग की इतनी ज्यादा स्मेल आने लगती थी कि वो फिल्म की शूटिंग के बाद जैसे ही घर जाते थे तो सबसे पहले वो बाथरूम में जाकर काफी देर तक नहाते थे, जिससे कि सिगरेट स्मोकिंग की जो स्मेल है वो उनसे दूर हो सके। और ऐसा शाहिद कपूर को इसलिए करना पड़ता था क्योंकि घर पर उनके काफी छोटे बच्चे थे।
शाहिद कपूर की बेटी मीसा कपूर जो कि उस टाइम पर लगभग 3 साल की थी और शाहिद कपूर का बेटा जैन कपूर जो कि लगभग 1 साल का था, तो अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए शाहिद कपूर को ऐसा करना जरूरी था। हालांकि शाहिद कपूर के द्वारा फिल्म में निभाए गए इस कैरेक्टर को काफी सारे लोगों ने एंटी फेमिनिस्ट बताया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म में सुरेश ओबेरॉय हमें शाहिद कपूर के पिता बने हुए नजर आए थे और ये सुरेश ओबेरॉय की लगभग 10 साल बाद आई कोई फिल्म थी। इसके पहले सुरेश ओबेरॉय हमें सन 2009 में आई फिल्म कर्म और होली में नजर आए थे। इसके अलावा फिल्म में कामिनी कौशल हमें शाहिद कपूर की दादी बनी हुई नजर आई थी और कामिनी कौशल भी काफी समय बाद हमें किसी फिल्म में दिखाई दी थी। इसके पहले कामिनी कौशल हमें सन 2013 में आई शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में उनकी दादी बनी हुई नजर आई थी। वैसे कामिनी कौशल को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। कामिनी कौशल पुरानी फिल्मों में हमें ज्यादातर मनोज कुमार, जिनको हम भारत कुमार के नाम से भी जानते हैं, कामिनी कौशल ज्यादातर फिल्मों में उनकी माँ बनी हुई हमें नजर आती थी, जैसे फिल्म उपकार, पूरब और पश्चिम और रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों में। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म को 21 जनवरी सन 2019 को रिलीज किया गया था और 14 फरवरी सन 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के लगभग 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे और 35 से ज्यादा जवान बुरी तरीके से घायल हो गए थे। और इसके बाद फिल्म कबीर सिंह के मेकर्स ने डिसाइड किया था कि वो इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज नहीं करेंगे। इस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया गया था और इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की तरफ से एडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया था। इसके अलावा फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड की तरफ से इस फिल्म के मेकर्स को बोला गया था कि फिल्म में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग्स वाले सीन में ऑडियंस के लिए एक स्ट्रिक्ट वार्निंग जरूर चलाई जाए, जिससे लोगों को पता चल सके कि ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म कबीर सिंह से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। ये फिल्म मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी और इस फिल्म के गाने भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे। और मुझे लगता है कि बॉलीवुड में कुछ ऐसी आइकॉनिक फिल्में और इतने सुपरहिट म्यूजिक का कॉम्बिनेशन काफी सालों बाद बन पाता है। और कुछ ऐसा ही सीन सन 2003 में आई सलमान खान की फिल्म तेरे नाम के साथ भी हुआ था, जिसमें सलमान खान का कैरेक्टर लोग आज भी याद करते हैं और इस फिल्म के गानों को लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को फिल्म कबीर सिंह कैसी लगी थी हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम सन 2020 में पुरानी फिल्मों के साथ ही साथ नई फिल्मों के भी अननोन फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी मनपसंद फिल्म है उसके अननोन फैक्ट्स मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए। इससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।